Hey guys, welcome back to the channel. Avinash here. और a very good morning. तो अभी हम लोगों ने like पारो सिटी से कैब लेके हम लोग सीधा आ चुके हैं यहाँ पे जो बेस कैंप है टाइगर्स नेस्ट का. तो वो अबाउट 10 to 11 किलोमीटर्स है. हमने टैक्सी पूरे दिन के लिए बुक तो नहीं की जो कि अबाउट 2000 की होती. तो हमारे जो पुराने ड्राइवर थे जिगमी ब्रो, उन्होंने हमें बताया था कि आप टैक्सी बुक कर लीजिए फॉर अप एंड डाउन. लाइक आप पहले जाइए और वहाँ से आप बंदे का फ़ोन नंबर ले लीजिए और उसको बोलिए कि आप आते समय उसको बता देंगे और वो बस आपको पारो सिटी ड्रॉप कर देगा. तो 300 से 400 तक उसने हमें बताया था और हम लोगों ने 800 पे किया है. तो जो बंदा हमें ड्रॉप करके चला गया वो फिर आके हमें पिकअप करेगा, क्योंकि ये ट्रैक थोड़ा लंबा है. इस ट्रैक के बारे में मैं धीरे धीरे आपको बताते रहूँगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम लोगों ने टिकट ले ली ऊपर जाने के लिए. तो मोनेस्ट्री में एंटर करने के लिए टिकट आपको पड़ेगी 1000 रुपीज़ की पर हेड. सो या अभी चलते हैं और आपको धीरे धीरे मैं सब कुछ बताते रहूँगा अबाउट द ट्रैक. सो लेट्स नाउ वे. अभी हम लोगों ने हाफ एन आवर कम्प्लीट किया, शायद 1 किलोमीटर तक हम चल चुके होंगे. और हाँ, ऊपर का रास्ता इतना आसान भी नहीं है जितना आपको कुछ लोगों ने बोला होगा. मे बी दे आर फिट इनफ टू डू द ट्रैक, बट या इट्स टफ, सो कीप ट्रैकिंग. तो ब्रेक्स लेते रहिए, आराम आराम से ऊपर चलिए. थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह लेके आइए, चिक्की वगैरह, अगर आपको धीरे धीरे खा के एनर्जी बिल्डअप कर करके ऊपर जा सकते हैं आप. अभी बहुत सारे लोग ऊपर से नीचे तो आते हुए दिखे नहीं है, लाइक कोई दिखाई नहीं है. आपको घोड़े वगैरह भी मिल जाते बीच में इफ़ यू वांट टू रिटर्न ऑन द वे, बट पता नहीं वो कितना चार्ज करेंगे डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस यू आर अप. तो हाँ, अभी तक का स्टेटस है कि सो फार सो गुड. तो इस स्पॉट से आपको दिख जाएगा टाइगर नेस्ट. लाइक आधे घंटे का ट्रैक करने के बाद आपको यहाँ से टाइगर नेस्ट का व्यू दिख जाएगा. अभी तो यहाँ पे छोटा सा वहाँ पे कहीं तो दिख रहा होगा आपको, बट या विल मेक इट देयर सून. सो अभी हमने पूछा कि 1 से 1.5 घंटा लग सकता है और मे बी हमें बस 1 घंटा लगेगा टू रीच द टॉप. सो लेट्स गो. तो जैसे ही आप आधा ट्रैक कंप्लीट करोगे आपको बैठने बैठने की जगह दिखने लगेगी, क्योंकि बिफोर द हाफ वे देर इज़ नो स्पेस टू सिट और एन्जॉय. आप ग्राउंड में बैठ सकते हो पैंट वेंट गंदा करके, बट या देर इज़ नथिंग एल्स. यहाँ से हमें टाइगर्स नेस्ट दिखते रहेगा ऑन आवर वे, धीरे धीरे उबारा होते जाएगा. तो लेट्स सी व्हेन वी रीच देयर, बट चेक आउट द व्यू इन फ्रंट ऑफ मी. तो हाँ गाइस, यहाँ पे अपनी छोटी सी पिकनिक चल रही है. थोड़ा बहुत लेस चिक्की वगैरह खा रहे हैं हम लोग और 1 घंटा बचा हुआ है टूवर्ड्स द टॉप ऑफ टाइगर्स नेस्ट. टोटल डिस्टेंस आपको टाइगर नेस्ट का पड़ेगा अबाउट 4 माइल्स, जो कि अराउंड 8 to 9 किलोमीटर्स है. बट एज यू कीप वॉकिंग, हाँ हाँ, जो कि 8 to 9 किलोमीटर्स है राउंड ट्रिप. और हाँ, इसके लिए अराउंड 2 से 3 घंटे लगते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्पीड यू आर गोइंग ऑन द टॉप. बट हाँ, अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा है. ऋषभ थोड़ा थक गया है, बट आई एम किलिंग इट हियर. देखिए ये लौंडा यहाँ पर थका पड़ा, इसके वजह से मेरे को डील हो रहा है. कोई तो बंदी के लिए वेट करना नहीं चाहते, क्या करेगा, टिंडर बाज आते हैं. ये डाल दो, ये एंड में डाल दूंगा पोस्ट क्रेडिट. तो बस चल रहा है अभी अपना जो भी है. वैसे ऐसा ट्रैक होता यहाँ पे बेंगलोर के पास तो हर हफ्ते जाके हम लोग फिट हो जाते हैं. अबे 200 किलोमीटर जाना पड़ता है एंड वी आर एंजॉयिंग द ट्रैक. टेक योर टाइम, ट्राई टू कंप्लीट इट, बट या बहुत ही पीसफुल है. और एक बात, ये लौंडा गाना भी बजा रहा था तो एक बंदा ने गाली दे कि डोंट प्ले म्यूजिक. टेक गाली नहीं, वार्न किया कि यूज योर हेडफोन्स, यूज योर एयरपॉड्स वर्जन 2.0. तो हाँ, फोटो वगैरह खींचिए, चिल मारिए. यहाँ पे लोग चिल कर रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं. कोई रस है नहीं क्योंकि आज का पूरा दिन हम लोग इसी में बिताने वाले हैं. ज़्यादा कुछ टाइम है नहीं, अभी हम बस पहुँचने वाले हैं. मैक्स 5 to 10 मिनट्स का डिस्टेंस बचा होगा. अभी यहाँ पे पूरी सीढ़ियाँ बनी हुई है जिन्हें हमें क्रॉस करके पहुँचना है टुवर्ड्स द टाइगर्स नेस्ट. सो लेट्स गो.
जी वो स्पॉट है जहाँ पे आपने टाइगर नेस्ट का मोस्ट पिक्चर्स देखा होगा. सो ऑन योर वे टू रीच है जहाँ पे बहुत सारे फ्लैग्स वगैरह लगे हुए ऑन द ब्रिज एंड देन यहाँ से आप वो जो फेमस फोटो सेल्फीज टाइगर नेस्ट के है वहाँ से ले सकते हैं. तो यहाँ पे आ जाइएगा कॉर्नर पे एंड यू कैन गेट सम रियली ग्रेट पिक्चर्स ऑफ द टाइगर नेस्ट. अभी अंदर चलते हैं. अंदर तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो आपको मैं अंदर क्या क्या चीज़ें वो सारी देख के आपको बताता हूँ. ये है हमारा एंड ऑफ द ट्रैक. जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे आ चुके हैं. तो हाँ ट्रैक वगैरह बहुत अच्छा था, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया. स्टार्टिंग वही होता है कि थोड़ा बहुत टफ हो जाता है बिकॉज आपको ऊपर जाना पड़ता है, बट आते समय तो हम लोगों ने शायद 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स में कवर कर लिया होगा. तो हाँ ये था पूरा एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैकिंग द टाइगर्स नेस्ट एंड ऑल्सो द एंड ऑफ माई भूटान सीरीज़, क्योंकि यहाँ के बाद सीधा मैं निकल रहा हूँ बैंगलोर. कल हम लोग निकलेंगे बागडोगरा की और वहाँ से बैंगलोर. तो हाँ अभी तक का ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा. लाइक लोग बोलते हैं, लाइक बहुत लोग पूछेंगे कि मुझसे पूछेंगे कि डिड यू गेट हैप्पी आफ्टर विजिटिंग भूटान वगैरह ऐसा ऐसा. बट या मेरे हिसाब से दिस इज़ कॉल्ड द हैप्पीएस्ट कंट्री बिकॉज इट्स क्वाइट पीसफुल. लाइक आपको ज़्यादा कुछ पेन है नहीं, आपके बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट के तरफ से कवर की जाती है, आपको लाइक बहुत कुछ प्रोवाइड किया जाता है. और नॉर्मली मैंने लोगों को देखा वो बहुत ही पोलाइट और डिसिप्लिन्ड है. लाइक इवन इफ़ यू आर क्रॉसिंग द रोड दे विल स्टॉप फॉर यू. अभी उनके पीछे गाड़ियाँ होंगी तभी वो लोग ऐसा नहीं करेंगे कि ज़्यादा हॉर्न वगैरह करेंगे, आपको भागने के लिए बोलेंगे, ऐसा नहीं है. बस जेब्रा क्रॉसिंग जो होती है वो आप क्रॉस करो, वो लोग रुकेंगे आपके लिए. बहुत सारी चीज़ें हैं जो भूटान को बोल सकती है. और बाकी नेचर वाइज तो चीज़ें हैं ही, जो यहाँ पर कार्बन नेगेटिव कंट्री है, क्या क्या बहुत सारी चीज़ें हैं. बट आई विल टेल यू इफ़ यू आर विजिटिंग भूटान इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस. आपको डिफरेंस दिखेगा इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया टू भूटान, क्योंकि यहाँ ज़्यादा क्राउडेड एरियाज नहीं होते. कुछ कुछ जगह पे हो जाएंगे बट बहुत ही रेयरली आपको क्राउडेड ऐसी जगहें मिलेंगी. और हैप्पीनेस क्या है, लाइक मेरे लिए हैप्पीनेस हो जाती है कि मैं अपने दोस्त लोग के साथ एल क्लासिको भी देख लेता हूँ. इवन दो आई एम नॉट अ फुटबॉल फैन, एल क्लासिको हम दोस्तों के साथ देखते हैप्पी रहते हैं. लाइक छोटी छोटी चीज़ों में हैप्पी रहना ही सही है. लाइक इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच, लाइक मैं नहीं बोलूँगा कि आपको एम्बिशियस होना बुरा है, बट आई विल टेल यू दैट जो भी आपने अचीव किया है, जो भी आप लेवल पे हो उसमें खुश रहना अगर आप सीखोगे सो यू विल बी हैप्पी फॉर लॉन्ग. लाइक इट्स इज़ रियली ग्रेट. लाइक आज ये टाइगर नेस्ट विजिट करना भी मेरे लिए एक अचीवमेंट थी. इस साल बहुत ही अच्छा रहा है मेरे लिए. मैं आईफिल टावर, बहुत सारी ऐसी मोन्यूमेंट्स है जो मैंने विजिट की. मे बी दैट वॉज माई हैप्पी ईयर. बट या मैं हैप्पी पहले भी था यार, स्कूल में हर चीज़ में. ऐसा नहीं है कि मुझे अभी थोड़े बहुत पैसे हो गए तो मैं घूम रहा हूँ तो आई एम हैप्पी. हैप्पीनेस डिपेंड करती है कि आपको क्या चाहिए. लाइक फॉर समवन प्लेइंग देयर गिटार, फॉर समवन डूइंग अ ट्रैक, मैनी थिंग्स आर देयर. जिससे फॉर समवन ड्रिंकिंग, ज़्यादा नहीं पीने का बट कंट्रोल में पियोगे तो बहुत सही रहता है. लाइक दे स्टे हैप्पी. इफ़ यू मेट मैनी पीपल फॉरन, लाइक यहाँ पर भी बहुत लोग मुझे मिले जो लाइक चिल रहे थे, मेरे साथ डांस वगैरह किया, बहुत सारी चीज़ें होती है. सो यही था, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बट आई एम टेलिंग यू कि स्टे हैप्पी विथ वॉट यू हैव. लाइक इट्स ओके टू समटाइम्स, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती है. किसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती, इवन अंबानीस के घर पे प्रॉब्लम होती होगी मेरे हिसाब से. तो यही था अपना भूटान का पूरा ट्रिप. एंड नोट में मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा था. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड का ज्ञान भी अच्छा लगा हो, तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा इस वीडियो को, ताकि मैं और भी जगह आपको घुमा सकूँ. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. साइनिंग ऑफ अविनाश. बाय बाय. Thank you.